अगर इस बार फिर से लॉकडाउन लगता है, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक हो चुकी है, क्योंकि कोरोना जो है वो चीन में फैलता जा रहा है और बहुत सारे लोगों की जाने जा रही है, तो भारत पूरी तरीके से तैयार है? अगर इस बार लॉकडाउन लगता है या इस तरह की स्ट्रिक चीज़ें लगती है, तो इस बार क्या असर पड़ेगा भारत पे, क्या असर पड़ेगा और लोगों पे उसका क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। इस बार पब्लिक मर जाएगी पूरी एकदम खाने बगैर। अच्छा, एक तो पहले से परेशान है पब्लिक। अच्छा, कोई आमदनी नहीं है, इतना टैक्स बढ़ा हुआ है सब कुछ। अच्छा जी, और क्या बताया जाए। अच्छा, बेरोजगारी बहुत है जी, आमदनी किसी के पास है नहीं जी। अच्छा, ये ऐसा हो क्यों रहा है हर दो साल तीन साल के बाद? ऐसा क्या चीन ऐसा क्या कर रहा है कि ऐसी तरह की? तो गवर्नमेंट को मालूम, गवर्नमेंट पता लगाना चाहिए, हम लोग को क्या मालूम। आम पब्लिक को क्या मालूम, सोचती ऐसा क्यों हो रहा है? आम जनता तो यही सोचती बीमारी है कोई। अच्छा, और क्या मालूम। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि धरती पे पाप बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पाप बढ़ रहा है, ऊपर वाले को याद नहीं कर रहे इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हो सकता है, एक मामला ये भी है। अच्छा, भगवान को याद नहीं कर रहे लोग, अल्लाह को नमाज नहीं पढ़ी जा रही लोग। अच्छा, बिल्कुल नमाज अदा नहीं कर रहे लोग, हराम खा रहे हैं। अच्छा, हराम खाने का बहुत आदत लग गई है जी, इसके लिए भी हो रहा है ऐसा। अच्छा, दुआ इबादत नहीं कर रहे हैं, इनकी वजह से नहीं कर रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं लोग, पब्लिक सरकार भी बोल रही है, पब्लिक भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सब झूठ बोल रहे हैं। इसी से निजात कैसे पाया जा सके, एक कौम होने के नाते, इंसान कौम होने के नाते इसी से बाहर कैसे? निजात इसे बस अल्लाह से दुआ करें कि निजात मिले किसी तरीके से। अच्छा, तो ये आप मानते हैं कि मतलब कि गुनाह जब बढ़ता है तो बिल्कुल, वो तो है, अभी हम लोग में है, एक इमाम आने वाले हैं, उनका जहूर होने वाला है। अच्छा, वो आएंगे, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कौन से इमाम आने वाले? आखिरी इमाम आने वाले, इमाम जमाना। क्या नाम है उनका? इमाम जमाना आने वाले हैं। अच्छा, ऐसे बाइबल में भी लिखा गया है कि अंत के दिनों में जीसस क्राइस्ट भी आने वाले हैं। जब जितना जुल्म बढ़ जाएगा वो एक दिन आएंगे, पर्दे गैब में है अभी। अच्छा अच्छा जी, तो कोरोना लॉकडाउन होता है तो जनता तो हालत तो खराब होने वाली, जनता की परेशानी बढ़ने वाली, महंगाई और एक तरह बेरोजगारी मार खा रही है, जो चीज़ों की कीमत है वो बढ़ती जा रही है। जी जी जी, बढ़ती जा रही है। अच्छा, लॉकडाउन अगर लगेगा, मास्क लगाना फिर आपको अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी तो लगाना ही पड़ेगा फिर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करें। अगले लॉकडाउन में 5 महीना फंसा था इधर मैं। 5 महीने? कैसे 5 महीना? इधर मैं आया था कुछ काम के लिए। अच्छा, लॉकडाउन लग गया। अच्छा, फिर जाने नहीं मिला, मई में फिर जाने को मिला। अच्छा, आखिरी मई में मिला। 5 महीने में इधर धक्का खाया। 5 महीने तो सर आप कैसे रहे और कैसे? तो क्या भाई लोग थे उनके साथ में था, कैसे भी गुजारा किया, क्या करेंगे। अच्छा, फिर आप काम क्या करते हैं ऐसे, अपने रिकवरी कैसे? गाड़ी चलाता हूँ। तो लॉकडाउन में तो गाड़ी वाड़ी चलाना सारा बंद था, सब बंद था सब। अगर वैसी हालत फिर होते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर, अल्लाह के भरोसे और क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह बिताएगा वो करेंगे और क्या। इस पर विचार विमर्श कर रही है राज्यसभा में और लोकसभा में, बहुत सारे अपने अभी आज ही की बात है कि सब मास्क पहनना शुरू कर दिए जितने भी बड़े नेता हैं, और कहीं ना कहीं चेतावनी दे दिया है भारत सरकार ने कि आप लोगों का भी अलर्ट रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क पहनना है। तो इस बार लॉकडाउन लगता है तो सर क्या असर पड़ने वाला है आम जनता के ऊपर? असर तो क्या पड़ेगा सर, मरेगी तो आम जनता ही। अच्छा, किसी का कुछ जाएगा नहीं, जाएगी तो आम जनता ही जाएगी। गरीबी से और किसी को कोई फायदा मिले नहीं मिले, कम से कम गरीब जनता तो मर जाएगी फिर लॉकडाउन से जी। गरीबों की नौकरी जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और जी बीमारी तो खैर बढ़ी रही है। अब बीमारी कोविड कितना परसेंटेज है कितना परसेंटेज नहीं है ये तो ऊपर वाला ही जानता है जी। लेकिन हाँ, सुरक्षा ये है कि अपने को मास्क लगाना जरूरी है, तो अपने जितना सुरक्षा करें उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, बाहर के आने वाली फ्लाइटों को सरकार को बंद कर देना चाहिए जो चाइना से आ रही अलग अलग? ये तो पहले ही कर देनी चाहिए थी 2021 में ही। अब अगर अब पता चल गया तो पहले ही बंद कर देना चाहिए। अगर बंद नहीं करें तो पूरी अपने एयरपोर्ट से पूरी सुरक्षा के साथ पूरी जाँच के साथ उनको बाहर भेजा जाए, वो इंडिया में अंदर लाया जाए उनको। अच्छा, नहीं अभी एयरपोर्ट पे टेस्टिंग शुरू हो गई है, जो है टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। टेम्परेचर करने, अगर टेम्परेचर चेक भी कर रहे हैं तो करने से रिजल्ट कहाँ आ रहा है सर? अच्छा, आज देख रहे हैं जिनको जो पॉजिटिव थे वो भी, जो नेगेटिव थे वो भी पॉजिटिव आ रहे थे लास्ट ईयर, जो नेगेटिव थे वो भी पॉजिटिव थे। अच्छा, तो कहाँ से पता चलेगा कि रियल पॉजिटिव है कहाँ? अच्छा सर, आज इतने फ्लाइट से इतने लोग, 100 लोग उतरते हैं, 100 लोग में आके 50 का टेस्टिंग 50 का नहीं होगा तो। अच्छा, इसका कारण क्या, क्यों ऐसी तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां बार बार आ रही है ऐसा? क्या आप एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते क्या सोचते हैं? सबसे अच्छी चीज़ तो सब, मैं सही बात बताऊं, हम लोग दुनिया सबसे बड़ा जानवर कौन है पता है सर? इंसान हर चीज़ खाता है। अच्छा, अच्छी चीज़ तो खाता ही नहीं है जी। आज बाहर के देशों में देखिए, चूहा से लेके सांप तक से लेके सब कुछ खाते हैं लोग, तो बीमारी ऑटोमेटिकली आएगी ना सर। अच्छी चीज़ें खाते नहीं है,
सब बेकार बेकार चूजे, नॉनवेज आज चलो चिकन और मटन खाते हैं लोग, लेकिन फिर भी आज चूहे सांप मतलब हर तरह के जानवर बोल लीजिए सब कुछ खाते हैं। तो खाने की बीमारी से फूड पॉइजनिंग से ये सारी बीमारियाँ आती हैं और क्या। अच्छा, नई नई बीमारी। अच्छा, तो ये चाइना वाले बहुत सारी चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और इस तरह की चीज़ें। हाँ वही है सर, ये चाइना वाले तो जो नहीं खा लें वो कम है, जो नहीं खा लें वो कम है, मतलब ऐसी कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है, छोड़ी नहीं है जो नहीं खा सकते। आप कोई भी जानवर उठा लीजिए हर चीज़ खाएंगे वो चाइना वाले। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो चाइना वाले नहीं खा सकते। अच्छा, इस बार बेरोजगारी पर और महंगाई पर और मार पड़ेगी अगर इस तरह की चीज़ें वापस होती है, रिपीट होती है वापस होती है। मैं नहीं समझता कि 2021 से पहला लॉकडाउन जब पड़ा था कि जो मार पड़ी थी वो अब पड़ेगी, उतनी तो नहीं पड़ेगी। अच्छा, जितनी पड़ करनी थी वो पड़ चुकी सर, उतनी पड़ चुकी है। अब लोग समझ गए, अब लोग हैबिटेटेड हो गए हैं उस लॉकडाउन से। अच्छा, अब उतना फर्क नहीं पड़ेगा, अब उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ एक्सप्रेस से बात करने। आवाज़ एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हम ढेर सारी नई नई खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे।